हाँ जी, थियरी में आपका एक टॉपिक बचा एक्सरे, और उसके बाद आज बचे हुए टाइम में और कल के टाइम में सवाल करेंगे। ठीक है, पहले एक्सरे कंप्लीट करते हैं। डाउट सैटरडे और संडे। एक्सरे देखें, एक्सरे क्या होता है? ये आपका न्यूक्लियस है, जो पहला एनर्जी लेवल है उसको कई बार के शेल भी बोलते हैं, आपने पढ़ाई होगा। एल एम आपका इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहां पे है, सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये आपका लोअर मोस्ट शेल में दैट इज के शेल में है। यहां पे हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे जिसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास दो दो रास्ते हैं, एक ये कि फॉर एग्जांपल यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, पहले में दो होते हैं, फिर आपके जो भी नंबरिंग है वो इलेक्ट्रॉन्स का एक पूरा क्लाउड रहेगा इसके सराउंडिंग में, यहाँ भी रहेगा। जब आप एक काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजते हैं, इस एटम के ऊपर इंसिडेंट कराते हैं, तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो क्या इलेक्ट्रॉन पास्ड थ्रू एटम विदाउट एनी कोलिजन, कोलिजन स्पेलिंग क्या होती है, डबल आता क्या, डबल एल आता क्या, कोलिजन। एक तो है विदाउट कोलिजन निकल जाए, और एक है कि कोलिजन आपका हो। अगर विदाउट कोलिजन होगा तो क्या होगा, देखें एक बार, ये इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ेगा तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन फील करेगा, तो दिस इलेक्ट्रॉन विल रिटार्ड। इलेक्ट्रॉन विल, इट मींस उसकी वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी विल डिक्रीज, इट मींस काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो डिक्रीज। और जितनी काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज करेगी, उसी एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो जाएगा। जितनी एनर्जी आपकी डिक्रीज हुई, उतनी ही एनर्जी विल गो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन आया, बाकी इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन फील किया, यहां कहीं तो आर पार निकल गया, रिटार्ड हुआ वो, है ना, उसकी एनर्जी कुछ लूज हुई, काइनेटिक एनर्जी। जितनी काइनेटिक एनर्जी लूज हुई, उतनी एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल गई। अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकली हैं, इनका कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी नहीं है, मतलब किस ओरिएंटेशन से आ रहा है, कहां से पास कर रहा है, उस बात पर डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी घटेगी। बात को आप समझो, दोबारा बोल रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन यहां से पास थ्रू हुआ उसकी एनर्जी कितनी घटेगी, ये उसके ओरिएंटेशन पे, किस रास्ते से गुजरा है, उन सब बातों पे डिपेंड करेगी। देयर फोर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां से रेडिएट होगी, उसकी कोई नो स्पेसिफिक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, बिकॉज एनर्जी लॉस बाय इलेक्ट्रॉन विल डिपेंड अपॉन द पाथ विच इट हैज टेकन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, कोलिजन का। कोलिजन का, कोलिजन में क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन आया है फॉर एग्जाम्पल, इस इलेक्ट्रॉन के पास सफिशियंट एनर्जी है टू नॉक आउट दिस इलेक्ट्रॉन। कोलिजन हुआ, उसने क्या किया, लेट्स से के शेल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आया, कोलिजन हुआ, के शेल को, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो यहां पे इस शेल में एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, एक वैकेंसी आ गई आपकी। वैकेंसी आने से जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे जंप करेंगे,
और नीचे जंप करेंगे, फॉर एग्जांपल इस वैकेंसी को अगर एल वाले इलेक्ट्रॉन ने फिल किया तो वो यहां से जब यहां आएगा तो एक एनर्जी, एक पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा, है ना, फोटोन ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी जिसकी की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक होगी। क्योंकि अगर जो फोटोन निकला है उसकी एनर्जी फिक्स है तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी, है ना। बस दोनों बातों में एक ही अंतर है कि यहां पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगी वो क्या होंगी, फिक्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, पर्टिकुलर वेवलेंथ की होंगी। यहां पे जो निकलेंगी वो पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की नहीं होंगी। हाँ जी हाँ, इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, जो आपका के शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको निकाला, ऊपर से वैकेंसी को फिल किया गया, तो फिर आपका फर्दर क्या हुआ, एक फोटोन रिलीज हुआ, उसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है। हाँ जी हाँ, वो भी बताएंगे अभी, सबसे पॉसिबल है। क्या करें, ये इलेक्ट्रॉन नहीं, तब नहीं होगा, फोटोन तभी रिलीज होगा जब डी एक्साइटेशन होगा। मतलब हालांकि देखो ये भी फोटोन ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी फोटोन ही है, है ना। बट मैं यहाँ जैसे आप ये बोल रहे हैं, अगर आप थ्योरेटिकली बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन आ गया और इसको निकाल दिया और ये खुद बैठ गया वहाँ पे, तब आपका ये वाला पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो नहीं होगा। ये तभी फॉलो होगा जब ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नीचे वाले की वैकेंसी को फिल करने के लिए जंप करे। अब देखो एक्सरे वैसे है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ये तय करता है कि वो एक्सरे कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों ही एक्सरे होती हैं, ये भी एक्सरे है और ये भी एक्सरे है, इसको बोलते हैं इस वाले पार्ट को कंटिन्यूअस एक्सरे। और इसको बोलते हैं जो सेकंड वाला पार्ट था कोलिजन वाला, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। हाँ जी बेटा, बताऊंगा सारी बातें, आप बस अभी तक ये समझे बस कि दो प्रोसेस आपने सीखे हैं, एक में इलेक्ट्रॉन रिटार्ड हुआ है और इलेक्ट्रॉन ने एक में इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया है और फर्दर वो डी एक्साइट होकर एनर्जी रिलीज हुई है। आप इन दोनों फ्लो चार्ट को सेपरेट करके बनाना, मैंने थोड़ा मिक्सा कर दिया है। आराध्या का नोट्स मैनेजमेंट इज वेरी गुड, है ना, लाइव क्लास में भी इतना स्पेस वगैरह सब बढ़िया मैनेज करती है। मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं आई वर्सेस लेमडा का। जैसे अभी आपने पूछा कि ये कंटिन्यूस क्यों है और ये हाँ अलग क्यों है, आपका ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्यों है। आप देखें, आप पहले मान लें कि मैं जो कोलिजन वाला पार्ट हो ही नहीं रहा है, एक बार मान लेते हैं कि कोलिजन वाला पार्ट हो ही नहीं रहा है, सारा रिटार्डेशन वाला पार्ट हो रहा है। उस केस में आपको पता है कि किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकलेगी, सारी वेव्स की निकलेंगी, है ना। एक्सपेरिमेंटली जब इसको प्लॉट किया गया तो ये कुछ ऐसा आया, आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं इस वेवलेंथ के लिए कितनी इंटेंसिटी रिलीज हुई, है ना। अब आपको ये पता है कि हर वेवलेंथ के लिए
लाइट एमिट हो सकती है क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है, अलग रास्ता होगा इलेक्ट्रॉन का, तो अलग एनर्जी लूज करेगा, अलग वेवलेंथ बनेगी। तो यहाँ पे सारी वेवलेंथ पॉसिबल हैं, इसलिए ये ग्राफ कंटिन्यूस आता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक दो लेवल्स का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ अगर जंप हुआ है, इस एनर्जी लेवल का जो गैप है वो फिक्स है। अगर फिक्स है तो उसका वेवलेंथ भी फिक्स होगा, फिक्स होगा तो आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब L शेल से K शेल में इलेक्ट्रॉन आया, इसके करस्पॉन्डिंग जो फोटोन निकला उसकी वेवलेंथ जो भी है, मान लो वो ये है, तो यहाँ पे आपको एक पीक ऑब्जर्व होती है। कहने का मतलब जो कोलिजन वाला पार्ट है वो ज्यादा होता है, ज्यादा होने का मतलब उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन ज्यादा निकलते हैं। पर यहाँ पे एक बात तय हो गई कि वेवलेंथ फिक्स होगी, है ना, वो पीक एक किसी पर्टिकुलर डी एक्साइटेशन के लिए पॉसिबल है। लेट से के अल्फा बोल दिया मैंने, बताऊंगा मैं के अल्फा क्या है अभी। मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट था वो कंटिन्यूस एक्सरे का पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे फ्रिक्वेंसी आई है, उसकी इंटेंसिटी आई है, वो किसका है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का पार्ट है। इतना नोट कर लेंगे, फिर आगे करते हैं। इससे डायग्राम नोट कर लिया है, बताएं। हाँ होगी, हाँ बता रहा हूँ मैं, कंटिन्यू करूँगा। लिख लिया सब, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सरे क्या है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर उस वेवलेंथ की एक पर्टिकुलर रेंज रहेगी तो एक्सरे कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। प्रोसेस कैसे होता है, या तो आपके आपका एक इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो वो किस बिना कोलिजन करे किसी इलेक्ट्रॉन से निकल जाए, उस टाइम वो रिटायर्ड करेगा, रिटायर्ड करेगा तो कुछ एनर्जी लूज करेगा, बट उसमें एनर्जी जो लूज करेगा स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए हर वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको मिलेंगी, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में वो इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है, इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जब ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एक पर्टिकुलर एक फिक्स वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर फोटोन आप कहें वो निकलेगा। तो इस केस में क्या हुआ, जो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकली उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक नहीं थी। यहां पर स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल फिक्स है, एनर्जी लेवल फिक्स है तो आपकी आपका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी फिक्स रहेगी, ये बात बताइए ग्राफ में। अच्छा इसमें एक बात और देखें, मैंने अभी जो ग्राफ बनाया उसमें के अल्फा की कॉरेस्पॉन्डिंग एक पीक बनाई। के अल्फा का मतलब है जब के शेल में वैकेंसी हुई और इलेक्ट्रॉन आपका n इक्वल टू 2 से 1 में जंप किया, तो उस पर्टिकुलर फोटोन को, उस पर्टिकुलर रेडिएशन को आप के अल्फा बोलते हैं।
अगर के बीटा की बात हो, के बीटा का मतलब है वैकेंसी के में ही क्रिएट हुई है ना, वैकेंसी आपकी के में ही क्रिएट हुई है, बट उसको फिल किसने किया है, एम वाले इलेक्ट्रॉन ने। ऐसा पॉसिबल है ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल गया आपका तो इस वैकेंसी को फिल ये भी कर सकता है और ये भी फिल कर सकता है। जब के में क्रिएट हुई वैकेंसी को सेकंड वाला फर्स्ट में जंप करके करेगा तो उसको के अल्फा बोलेंगे। अगर सेकंड मतलब एन इक्वल टू वन, टू, एन इक्वल टू थ्री, जब एन इक्वल टू थ्री वाला वन की वैकेंसी को फिल करेगा तो उसको आप के बीटा बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली आपकी एल अल्फा भी होती है, एल अल्फा का मतलब है जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आया था उसने जो नॉकआउट किया है वो एल इलेक्ट्रॉन को किया है, एल के इलेक्ट्रॉन को। अब एल के इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी फिल करने के लिए अगर एक जस्ट ऊपर वाला आएगा, एल नहीं, एल तो ये था, नहीं सॉरी, के एल एम, एल की वैकेंसी को एम वाला अगर फिल करता है तो आपका एल अल्फा होगा, 3-2। और ऐसे ही एल बीटा भी हो जाएगा, एल बीटा विल बी 4-2। के का मतलब वैकेंसी पहले में है, एल का मतलब वैकेंसी दूसरे में है, अल्फा का मतलब जस्ट ऊपर वाला, बीटा का मतलब एक से उससे एक ऊपर वाला। ये आपकी चार कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे मैंने बताई हैं, इनको आप अगर चारों को साइमल्टेनियसली एक ही ग्राफ पे बनाएंगे आप अपने अंदाजे से, पहले ही मुझे बता दें अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो इसका लैम्डा बड़ा होगा या इसका लैम्डा बड़ा होगा, ऊपर वाले का लैम्डा बड़ा होगा, क्यों? एनर्जी कम है, 2 से 1 में आया ना वो, एनर्जी गैप इज लेस। अगर एनर्जी गैप कम होगा तो आपका वेवलेंथ बड़ा होगा, क्योंकि फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, ई इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। अगर एनर्जी गैप कम है तो लेमडा बड़ा रहेगा, इसका मतलब इसका लेमडा बड़ा रहेगा। तो के अल्फा वाला जो आएगा वो कहीं यहां, मान लो के अल्फा यहां आएगा तो के बीटा पीछे आना चाहिए। जब भी आपका ग्राफ बनेगा, मान लो ऐसा बना, आपने सिर्फ दो को ड्रॉ किया है, नहीं इनमें ऊपर नीचे रहेगा, जो जनरली रहती है वो के बीटा की बड़ी रहती, के अल्फा की देख लेता हूं मैं, यहां पे जो ग्राफ गिवन है के अल्फा की ज्यादा है, आप कह रहे हैं कि इसके बाद यहां पे आएगा एल बीटा, कैसे कंपेयर किया? हाँ एनर्जी डेफिनेटली, आप देखो जैसे आप ऊपर जाते हो ना, आप एनर्जी लेवल में ऊपर जाते हो तो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस तो डेफिनेटली कम होता ही होता है। हाँ बढ़ेगी, तो क्या दोनों की बढ़ेगी क्या, चेक करें एक बार, मतलब एल अल्फा की और एल बीटा की दोनों ही के अल्फा के बीटा से बड़े होंगे क्या, चेक करें एक बार। आप ऐसा करें, एक बात ध्यान रखना, एक्सरे जब भी आप प्रोड्यूस करते हैं वो किसी हैवी एटम के लिए प्रोड्यूस करते हैं, इसका जेड बड़ा हो। हमने एनर्जी जो लेवल्स बनाए थे वो हाइड्रोजन के लिए बनाए थे। आप एक बार हाइड्रोजन का एग्जांपल लेके एक बार देखें कि अगर हाइड्रोजन में ऐसा मान लूं के एल एम, तो उस केस में इन चारों के वेवलेंथ को अरेंज करेंगे तो कैसे आएंगी? एल अल्फा की के बीटा से कम होगी, चेक करते हैं। एल अल्फा तो 3 और 2 के बीच का गैप है, ये गैप है, इससे पहले कौन से गैप देखे हैं हमने? इससे पहले एक गैप ये देखा है और एक गैप ये देखा है, तो ये गैप तो डेफिनेटली दोनों से ही कम है, एनर्जी कम है तो लैम्डा बड़ा होगा, तो
तो के एल अल्फा विल बी डेफिनेटली मोर देन के अल्फा एंड के बीटा, ये बात समझ में आई क्या? हाँ जी सबको, दोबारा बता रहा हूँ, देखो इन दोनों को कंपेयर करना आ गया। अब कर रहे हैं एल अल्फा को, एल अल्फा थ्री और टू के बीच की एनर्जी लेवल, एनर्जी डिफरेंस है, ये तीन है ये दो है, तो इनके बीच का गैप तो ये है। और के अल्फा के बीटा क्या थे? के अल्फा था ये वाला गैप और के बीटा था ये वाला गैप, तो ये दोनों गैप तो उस गैप से बड़े ही बड़े हैं, तो एनर्जी ज्यादा होगी, सॉरी हाँ इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी कम हुई तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो एल अल्फा की वेवलेंथ विल बी मोर देन के अल्फा एंड के बीटा। तो एल अल्फा तो कहीं यहां पे आएगा ही आएगा। अब आप देखें एल बीटा, एल बीटा क्या एल अल्फा से कम आएगा? क्यों? एनर्जी ज्यादा है तो लैम्डा कम होगा, ठीक बनाए। आपको ये डाउट है कि एल बीटा का ये कैसे कंफर्म हुआ कि वो इनसे आगे आएगा, ऐसा चेक करो। एल बीटा क्या बनेगा? एल बीटा ये वाला बनेगा। अब इसमें एक आइडिया तो लग सकता है आपका, वही वाला फॉर्मूला -13.6, फिर क्या होता है -3.4, -1.5, -0.85। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो वाली एनर्जी उनसे कम मिलेगी आपको, तो वेवलेंथ उससे बड़ी आएगी। ये सिंपल सा डायग्राम आप याद कर सकते हैं। सिंपल सा निर्देश, सिंपल सा डायग्राम, नहीं नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, सिंपली जो दे रखा है मैंने बना दिया, सवाल भी नहीं आएगा आपके पास। एनसीईआरटी में शायद है भी नहीं टॉपिक, एक्स्ट्रा टॉपिक है नहीं एनसीईआरटी में, मॉड्यूल में दे रखा था तो मैं करवा रहा हूं। हाँ जो सिर्फ बोर्ड पे अर्जुन की तरह निशाना लगाए हुए हैं वो इसको छोड़ सकते हैं। आगे बढ़े, कौन एक बार रिपीट कर देगा पूरे टॉपिक को? हाँ जी बच्चों, कौन एक बार बता देगा पूरा? आसान है बिल्कुल, साहिल करेंगे ट्राई, बता। बहुत बढ़िया, ये नोकआउट तो बताई दिया आपने, ये नो इलेक्ट्रॉन निकाला तभी तो फोटोन वो नीचे आया वैकेंसी फिल की। उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेंगी, है ना, और क्योंकि कितनी काइनेटिक एनर्जी लूज की वो डिपेंड करेगा किस रास्ते से गया है ना, तो वहां पे जनरल मतलब पूरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा फ्रीक्वेंसी का या वेवलेंथ का, बट जब आपका नॉकआउट होगा तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी और उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कंटिन्यूस एक्सरे, ठीक है। एक और टॉपिक है छोटा सा, मोजलेज लो एक्सरे का ही पार्ट है,
आप ये बताएं, एक फॉर्मूला हमने लिखा था, 1 बाय लेमडा इक्वल टू आर, यहाँ पे जेड का टर्म भी कहीं भी था क्या? वैसे हमने हाइड्रोजन एटम के लिए किया था, वैसे हमने हाइड्रोजन एटम के लिए किया था। जेड अगर आएगा तो कहाँ आना चाहिए? आर के साथ जेड स्क्वायर, आर यू श्योर? चेक कर लें एक बार, जेड स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, अगर इसको मैं फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा? सी बाय लैम्डा कर दूं, सी बाय लैम्डा जेड स्क्वायर आर सी 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, दिस इज फ्रीक्वेंसी। जब जेड वन लिया था तो हमने हाइड्रोजन एटम के लिए लिया था, है ना, और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए भी हमने कुछ चीजें डिफाइन करी थी। अब ये बोल रहे हैं मोस्टली लोग, क्या बोलता है जो ये वाला एक्सप्रेशन था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, या फिर अगर मैं कहूँ अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, ये मोस्टली लो नहीं है, अभी मैं बताऊंगा वो है, अभी तो बस उसका आप ये समझेंगे कैसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अंडर रूट न्यू इज प्रोपोर्शनल टू जेड, जो आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगी वो जेड आपके एटॉमिक नंबर से रिलेटेड होती है, अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है। मोस्टली क्या बोलता है, स्टेटमेंट लिख लें पहले आप उसकी, आर सी कहां से आया, दोनों तरफ सी मल्टीप्लाई कर दिया, ये मोज़ले लो नहीं है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक पहले मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, वो है मोज़ले लो, यहां लिखूंगा, पहले आप नोट करें। हाँ जी बेटा, एक बार आप लाइन लिख लें फिर आपको समझ में आएगा कि फ्रीक्वेंसी क्यों लिखी है। मोज़ले स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड ऑब्जर्व दैट स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ के लाइन इज क्लोजली प्रोपोर्शनल, इज क्लोजली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। मोज़लेज लॉ इज गिवन बाय अंडर रूट न्यू इज प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस, मोज़ले ने क्या स्टडी किया है, बहुत सारे एलिमेंट्स की एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की अल्फा लाइन स्टडी की है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, क्या बहुत सारे एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में भी के अल्फा लाइन, अब जो के अल्फा लाइन की फ्रीक्वेंसी आई है उसका अंडर रूट इज प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी, ऐसा उसने पाया है। उससे बताऊंगा अभी, यहां से और यहां से ज्यादा अंतर नहीं है, आप चेक करें, हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, और यहां भी देखें आप अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू जेड ऐसा बोल रहे हैं, बट उसको उसने वहां पे ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया है कि जेड माइनस बी भी एक इंट्रोड्यूस कर दिया है कॉन्स्टेंट। ठीक है, आगे आप ये चारों जो कॉम चीजें हैं इसको लिख लें, इसमें ए तो गिवन नहीं है, बी गिवन है, या एग्जैक्टली इसको लिखें इक्वेशन के साथ तो ये ए इंटू जेड माइनस बी ऐसा बन जाएगा, ये प्रोपोर्शनल है, ये इक्वेलिटी साइन है। हाँ, मोस्टली लोग बेसिकली तो प्रोपोर्शनलिटी बताता है, बट इक्वेलिटी बताएंगे तो वो भी सेम ही है उसमें।
इसमें देख लें क्या क्या है, ये बाकी चीजें क्या है। जेड इज एटोमिक नंबर, बी इसने बोला है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट को बी इक्वल टू वन फॉर के सीरीज, और ए को बोला है इसने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, देखो ये आप मैंने अलग से लिखा है, जो मैंने लाइन लिखवाई है उसी का फ्लो चार्ट है ये। बहुत सारे एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को स्टडी किया गया, और उसमें भी के अल्फा लाइन को स्टडी किया गया। के अल्फा लाइन की जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे आप जब ग्राफ बनाएंगे तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ना इसकी, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप एलिमेंट चेंज करेंगे तो वो z माइनस बी के प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट बेसिकली, वो z माइनस बी के प्रोपोर्शनल है। ऐसा उसने एक्सपेरिमेंट कर करके निकाला और ये उसने लो बनाया, मोज़लेज लो। इसका एग्जैक्ट करें तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट a इंट्रोड्यूस कर दिया और ये आपने लिख दिया। b वन है किसके लिए, जब k सीरीज की बात कर, ये आपका मोज़लेज लो है। जब सवाल करेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। थियोरेटिकल पार्ट इतना ही था, अब करेंगे सवाल इसके। लिख लिए, हाँ जी क्वेश्चन लिखें। हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 975 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद फाइंड ए ऑप्शन, दोबारा बोल रहा हूं, हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 975 एंगस्ट्रॉम। पहला पार्ट फाइंड एनर्जी स्टेट टू विच द एटम इज एक्साइटेड, एनर्जी स्टेट टू विच द एटम इज एक्साइटेड। सेकेंड, हाउ मैनी लाइन्स विल बी पॉसिबल इन एमिशन स्पेक्ट्रम, हाउ मैनी लाइन्स विल बी पॉसिबल इन एमिशन स्पेक्ट्रम।
पहले ट्राई करें। हाँ जी, गुड। मोक्ष निकाल के बताएं इसको। हाँ जी बच्चों, देख लें अगर नहीं हो रहा है तो। सवाल समझ में आया क्या? जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ इतनी है, ठीक है, वो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगी, आपको चेक करना है कि वो कहाँ तक जाएगा। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ डी एक्साइटेशन के लिए अप्लीकेबल नहीं है, एक्साइटेशन के लिए भी अप्लीकेबल है। तो जो वेवलेंथ यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई उसकी, वो 975 है। 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम होती है। 1/n1² - 1/n2² इस फॉर्मूले को बार बार यूज करोगे तो एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले शायद NINF लिखवाया था, आप यहाँ पे N1 N2 लिखें और ये याद रखें कि N1 का मतलब है नीचे वाली, नीचे वाला लेवल, जो भी नीचे वाला लेवल होगा वो N1 कहलाएगा। तो ये 1 है, ऊपर वाला कहाँ जाएगा पता नहीं है, वो N² पुट कर दिया, सोल्व कर लिया तो N=4 आ गया। हाँ जी, हाँ एक्चुअली उसमें क्या था, हमने डी एक्साइटेशन की बात करी थी। अच्छा आप कह रहे हैं ये लिखवाया था NI, उसमें फिर ये रहा होगा एनर्जी के साथ माइनस साइन होता है NI² ऐसा रहता है ना, तो जब उसको डिफरेंस करेंगे तो वो उस साइड चला जाएगा। आप मुझे दिखा देना अलग से, इसमें NI कहाँ है। अच्छा जो भी लिखवाया उसमें, इसमें कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूँ आपकी। आज जो भी है, जब भी ये फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे जो लेवल रहेगा वो लोअर लेवल रहेगा, ठीक है, वहाँ ज़्यादा रहेगा, हो जाएगा ये। इसके बाद पूछा है N=1, 2, N=3, यहां से फोटोन एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन N=4 में आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन अब दोबारा से डीएक्साइट हो सकता है। डीएक्साइट होगा तो कितनी पॉसिबिलिटीज है ये पूछ रहा है वो। पहली पॉसिबिलिटी 4 से सीधा 1 में आ जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी 4 से 3 में आ जाए, फिर 3 में आने के बाद कितनी पॉसिबिलिटी बन गई, 3 से सीधा आ जाए या 3 से यहाँ आ जाए, और फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ यहाँ आ जाए, कितनी लाइन हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, एक और रह गई। हाँ जी, वहाँ से डायरेक्ट सेकंड में आ जाए। हाँ ठीक है, ये 6 लाइन आपकी, लाइन का मतलब है कि जब भी आपकी आपका इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट करेगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हुई उस वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की होगी, उसको बोल रहे हैं हम एक लाइन, है ना। नंबर ऑफ लाइंस मींस नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एमिटेड। इसका एक फॉर्मूला और होता है जो आप जनरली यूज कर सकते हैं, हाँ, नंबर ऑफ लाइंस N(N-1)/2। यहाँ पे N=4 पुट करें, 4 × 12/2 = 6, ये बता देते हो। यहाँ पे वो सेम हो जाएगी इससे, जो यहां से यहां आया और यहां से यहां आया उसमें क्या अंतर है,
देखो मेरी बात सुनो, आपको जो आउटपुट मिलेगा ना, आउटपुट क्या मिलेगा, जब डीएक्साइटेशन होगा फोटोन निकलेगा, जब भी फोटोन निकलेगा दो से एक में जब भी फोटोन आएगा तो उन दोनों फोटोन के बीच में आप डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, ये वाला फोटोन और ये वाला फोटोन सेम रहेगा, टोटल छह फोटोन निकलेंगे, उन सब की अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है फॉर्मूला। अगर कम है एन तो आप खुद मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ज्यादा है एन इक्वल टू मान लो 10 आ गया तो आप वो ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है फिर आप फॉर्मूला यूज करके। हाँ जी हाँ जी, एक सवाल और लिखें। फाइंड द फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल्स फाइंड द फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल्स ऑफ एन एटम व्हेन इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल इज व्हेन इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल इज 122.4 वोल्ट। हाँ जी, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ एन एटम व्हेन इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल इज 122.4 वोल्ट। फर्स्ट एक्साइटेशन होता है, सुनेंगे ध्यान से, एन इक्वल टू 1 से 2, और सेकंड एक्साइटेशन 1 से 3। क्या करें आप, 91.8। हाँ जी, आपको केमिस्ट्री का ध्यान है कि कैसे सटीक जवाब दे रहे हैं। हाँ जी, सो हम्बल। नहीं था? हाँ जी बताऊं क्या, बताऊं मंदिर था, देख ले भाई, देख ले सब लोग, एनर्जी का किसी nth एनर्जी लेवल का जनरल फॉर्मूला आपने देखा, माइनस जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर 13.6। आप मुझे बता दें आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी होती है, 13.6, क्योंकि वहां पे जेड वन होता है एक तो, और दूसरा जब एक वन यूज करेंगे एक इन्फिनिटी यूज करेंगे तो एनर्जी आपकी 13.6 ही आ जाएगी। यहाँ पे इसने बोला है
आयनाइजेशन पोटेंशियल इज 122.4 वोल्ट। और कल मैंने बताया था आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी सेम चीज है, बस उसकी यूनिट अलग अलग है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है ये। अगर ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा। हाँ, लिथियम की है क्या? ठीक है, हाँ जो भी है वो लिथियम की बात कर रहा है। जेड इक्वल टू 3 आता होगा इससे। तो इस टर्म की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में इज -122.4 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगी। हाँ कि ना? यस। अगर आपको निकालना है फर्स्ट एक्साइटेशन, मतलब एन इक्वल टू 1 से एन इक्वल टू 2 में जब पार्टिकल जाएगा तब एनर्जी कितनी होगी, तो आप फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी के लिए लिख लेंगे एन स्क्वायर 122.4 कॉमन ले लें, अंदर 1/1 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। जब भी आप एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे तो स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, कम वाला लेवल 1 लिख दिया, वो 1/4 हो गया। सोल्व कर लें आपका आ जाएगा। क्या बेटा? नाइन से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ वो भी सही है, आना चाहिए उससे। आ गया यहाँ पे आंसर आता है 91.8। एनर्जी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेंशियल पूछा है तो वोल्ट। सिमिलरली आप सेकंड एक्साइटेशन की बात करेंगे तो 1 से 3 पुट कर देंगे, 1 - 9, 1 के आ जाएगा। इतना ही करें आज। ठीक, थैंक यू।